कहाँ गया चावल हम बना रहे थे हो गया अरे रख रहे हैं हम देख रहे हैं बस। तो आज हम लोगों का कैंप जो है ये सिंहभूम कौन सी जगह है ये पूर्वी सिंहभूम कोकपाड़ा जगह कोकपाड़ा कोकपाड़ा जगह पे हैं और ये लोग जो हैं हम लोगों के लिए सुबह से मेहनत कर रहे हैं और चावल और मछली बनाई जा रही है और आज भी देख लीजिए हालांकि कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की अरे सॉरी प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना सिलेंडर पहुंच गए हैं गांव गांव तक लेकिन यही चूल्हा जो है किसी को इसी चूल्हे को फूक फूक के जो है ये खाना बनाया जा रहा है। हाँ ये भी है इनके पास एनीवे आज हो गई है। बात सिर्फ इतनी की नहीं है कि आपको सिलेंडर और को मिल जाता है बात यह है कि एक सिलेंडर का जो है 1000 रुपए कहाँ से लाएंगे जब किसी किसी की सैलरी ही 3-4 हजार रुपए की होती है। चावल इसको कहते हैं माड़ जो कहते हैं ये आप समझ लो माड़ जो होता है ना ये सबसे पौष्टिक होता है। जो लोग बहुत लोग बच्चे कहते हैं सरलैक खिला रही हूँ सिलरलैक खिला रही हूँ डब्बे का वो निकाल के तो सरलैक भी पिसा हुआ चावल है और ये जो माड़ होता है अगर आप बच्चे को ठंडा करके पिलाएंगे इसमें सारा स्टार्च होता है ये बच्चे को मतलब वजन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये घरेलू उपाय है और क्या नाम बताया आपने बुद्धेश जो है हमारे लिए मछली चल रहे हैं हालांकि अभी टाइम के बाद ही खाएंगे। बुद्धेश जी जो है मैं गरम गरम खाता हूँ ठीक है हुआ नहीं वो ले आइए तो फूकने वाला तो हम लोग कैंप के बाद फिर से आपको गरम बनाना पड़ेगा जी सर। जी कौन सी मछली है रोई रोई जी सर हम लोग के गोरखपुर में भी रोहू मछली आती है रोहू ना जी सर। तो ये यहाँ का स्टेपल फूड है और बेचारे सुबह से मेहनत करके हम लोग के लिए बना रहे हैं बनाना इनको ही पड़ रहा है लेकिन जो है ये सिलेंडर काहे नहीं मिला आपको सर सिलेंडर तो लगता है इधर बोलिए सिलेंडर क्यों नहीं मिला प्रधानमंत्री तो बांट रहे हैं जी सर प्रधानमंत्री तो बांट रहे हो सकता है विभाग का कुछ लापरवाही के चलते हम लोग को अभी तक नहीं दिया सिलेंडर मिल जाएगा तो 1000 रुपया पे कर पाओगे हर महीना नहीं सर संभव नहीं है हम लोग कितना इनकम है कितना कमा लेते हैं पूरा महीना सर हम लोग तो ऐसे कृषि करते हैं तो कृषि से जो आय होती है हम लोग को महीना 3-4 हजार रुपए इनकम होता होगा तब 3-4 हजार में अगर मान लीजिए 2 सिलेंडर लग गया इतना बड़ा परिवार है तो 2000 रुपया सिलेंडर कहाँ की बात करिएगी। तो मुझे लगता है कि हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो आप उज्ज्वला योजना से सिलेंडर और गैस दे रहे हो तो सिलेंडर भी फ्री में दिया जाए मुफ्त में दिया जाए। थैंक यू।